नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज में। रोजाना की तरह हिमाचल प्रदेश के हर जिले की महत्वपूर्ण खबरें आपको बताने वाले हैं। वीडियो में हमारे साथ बने रहें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और जानते हैं आज के सभी मुख्य समाचार। हिमाचल में रविवार को एक की गई जान, 63 पॉजिटिव मामले, 132 हुए ठीक। हिमाचल में रविवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 63 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, वहीं एक कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। हिमाचल में रविवार को 132 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए हैं। हिमाचल में मौजूदा समय में 1247 एक्टिव केस हैं। चंबा जिला में 13 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही कांगड़ा जिला में 9, मंडी में 7, शिमला में 7, हमीरपुर में 6, ऊना में 6, कुल्लू में 6, सोलन में 4, लाहौल स्पीति में 3, बिलासपुर में 2 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी तरह से ठीक होने वालों में चंबा में 30, शिमला से 16, मंडी से 19, ऊना से 17, सोलन से 15, कांगड़ा से 13, हमीरपुर से 12, सिरमौर से 6, किन्नौर से 2 और कुल्लू से 2 लोग कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए हैं। भारी बारिश से घरों में घुसा मलबा, 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। लंबे इंतजार के बाद हिमाचल प्रदेश में 4 दिन के लिए फिर मॉनसून सक्रिय होगा। इस दौरान मूसलाधार बारिश होने का पूर्वानुमान है। सेब का आकार बढ़ने और मक्की की फसल के लिए बारिश लाभकारी मानी जा रही है। बारिश होने से किसानों बागानों के चेहरे खिल गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने सोमवार को प्रदेश के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान भारी बारिश और अंधड़ चलने का पूर्वानुमान है। जनजातीय जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर पूरे प्रदेश में 13 जुलाई को येलो अलर्ट जारी किया है। उधर रविवार को भी हिमाचल के कई इलाकों में बादल बरसे। सिरमौर जिले के पुरवाला में गिरी नदी उफान पर रही, एक गुज्जर परिवार टापू पर फंसा रहा। जिले में बारिश से मलबा लोगों के घरों में घुस गया। रामाधौन रेणुका मार्ग करीब 2 घंटे बंद रहा। हमीरपुर में 1.5 घंटे की मूसलाधार बारिश का पानी घरों में घुस गया। किसानों ने भी बारिश के चलते राहत की सांस ली है। राजधानी शिमला और आसपास के इलाकों में बारिश हुई। बारिश से मक्के की फसल को भी भारी क्षति पहुंची है। रामपुर और आसपास क्षेत्र में दोपहर के समय हल्की बारिश हुई। चंबा, बिलासपुर और सोलन में बढ़ने लगा कोरोना का ग्राफ। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ने शुरू हो गई है। जिला चंबा, बिलासपुर और सोलन में कोरोना के सक्रिय मामलों के ग्राफ में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चंबा जिले में 4 जुलाई को 206 सक्रिय मामले थे, अब यह आंकड़ा 300 के पास पहुंच गया है। जिला बिलासपुर में 4 जुलाई को 83 मामले थे, अब यह बढ़कर 118 हो गए हैं। सोलन में 4 जुलाई को 71 केस थे, अब सक्रिय मामलों की संख्या 138 हो गई है। सैंपलिंग कम होने के बावजूद कोरोना मरीजों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जिलों में एक्टिव मामले बढ़ने से सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि जिला शिमला में कोरोना के मामले बढ़ने की संभावना है। निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने का विधेयक मॉनसून सत्र में पेश करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश निजी स्कूल विधेयक 2021 विधानसभा के 2 अगस्त से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में पेश करने की तैयारी है। आम जनता से मिले सुझावों के आधार पर शिक्षा निदेशालय ने रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेज दी है। आगामी कैबिनेट बैठक में विधेयक के प्रारूप पर मंथन होगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर विधानसभा में इसे कानून बनाने के लिए रखेंगे। कोरोना संकट में कई निजी स्कूलों पर मनमानी फीस वसूलने के आरोप लग रहे हैं। बीते वर्ष प्रदेश भर में अभिभावकों ने प्रदर्शन किए। सरकार ने उस समय सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली का फैसला लिया, लेकिन निजी स्कूलों ने सरकार के आदेशों की अवहेलना की। ग्रे घोस्ट MTB साइकिल रैली में प्रदेश के शिवेन और जर्मनी के सारा चैंपियन। देश की दूसरी सबसे ऊंचाई पर करवाई गई ग्रे घोस्ट MTB साइकिल रैली में अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट शिवेन ने परचम लहराया। शिवेन ने पुरुषों के एलिट वर्ग में 50 किलोमीटर लंबी दूरी को 1 घंटा 51 मिनट में पूरा किया। दूसरे स्थान पर देवेंद्र ठाकुर और डेविड कुमार तीसरे स्थान पर रहे। अंडर 19 में माधव दत्ता पहले, जय कपूर दूसरे, संदीप थापा तीसरे। अंडर 14 में शिमला के कुणाल कुमार पहले, हरियाणा के अंगद सिंह दूसरे, प्रवीण कुकरेजा तीसरे। इसके साथ ही मास्टर वर्ग में सुनील बरोकपा पहले, दीपक शामित दूसरे, कपिल चौधरी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। महिला अंडर 19 ग्रुप में पलक ठाकुर पहले, भगीशा शर्मा और महिला एलिट ग्रुप में जर्मनी के सारा ने प्रथम स्थान हासिल किया। डाक विभाग में नौकरी का मौका, IIT पास युवाओं के लिए भी जॉब ऑफर। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का एक स्वर्णिम अवसर सामने आया है। एक तरफ जहां डाक विभाग में एजेंट की भर्ती होने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कांगड़ा जिला स्थित ITI डाडासीबा में 13 जुलाई को रोजगार मेले का आयोजन होने वाला है, जिसमें कई युवाओं को रोजगार मिलेगा। डाक विभाग में प्रत्यक्ष एजेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक रखी गई है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय बोले, हिमाचल को छोड़कर जाना बहुत ही भावुक क्षण।
हिमाचल सरकार ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के सम्मान में रविवार को पीटरहॉफ में हाई टी का आयोजन किया। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने राज्यपाल को पारंपरिक हिमाचली टोपी और शॉल तथा भारतीय और बोध संस्कृति के प्रतीक थंका पेंटिंग भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश बहुत ही सुंदर प्रदेश है और यहाँ के लोग परिश्रमी, विकासशील और संतोषी हैं। लोगों के मन में बहुत पवित्रता, भोलापन व अपनापन है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को छोड़कर जाना उनके लिए बहुत ही भावुक क्षण है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों के अपार स्नेह की यादें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इस दौरान हर वर्ग, सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं और सभी संगठनों का तथा सरकार के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उन्हें भरपूर सहयोग मिला है। चिंतपूर्णी मंदिर में उमड़ा श्रद्धा और आस्था का सैलाब। बेशक कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई है, लेकिन अभी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों के साथ साथ अब धार्मिक संस्थानों में भी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा रविवार को उत्तरी भारत के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी में देखने को मिला। बेशक हिमाचल के विभिन्न धार्मिक स्थलों से श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन कोरोना नियमों की अवहेलना और लंबी लंबी कतारें कोरोना को एक बार फिर दावत देती हुई दिख रही है। रविवार को उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माँ चिंतपूर्णी मंदिर में आस्था का ऐसा सलाख उमड़ा कि किलोमीटर तक लंबी लाइनें देखने को मिली। सुबह से ही माँ के दरबार में श्रद्धालुओं का पहुँचना शुरू हो गया था। ना मास्क, ना सोशल डिस्टेंस, कोरोना नियमों को दरकिनार करते हुए श्रद्धालु सुबह से लेकर शाम तक लाइनों में खड़े रहे। मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए लाइन व्यवस्था भी चरमराई रही। 6 व 8 वर्षीय बहनों के साथ दुष्कर्म करता था बुजुर्ग, इस तरह हुआ खुलासा। हिमाचल को शर्मसार और हैरान करने वाली एक खबर सामने आई है। मामला चंबा जिले का है, जहां एक बुजुर्ग ने 2 बालबोध बच्चियों के साथ कई बार दुष्कर्म किया। मामले का खुलासा चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से हुआ है। बतौर रिपोर्ट, दोनों मासूमों की आयु सिर्फ 6 साल और 8 साल है। चाइल्ड हेल्पलाइन चंबा को टोल फ्री नंबर 1098 पर बीते 9 जुलाई की शाम एक कॉल आई। कॉल के माध्यम से सूचना मिली कि चंबा के क्षेत्र में बुजुर्ग नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसे घिनौनी कृत्या को अंजाम दे रहा है। आदेशानुसार पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बाल कल्याण समिति व चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के समक्ष बच्चियों एवं उनके माता पिता के बयान दर्ज किए तथा इस संबंध में आरोपी के विरुद्ध FIR दर्ज की गई। ज्वालाजी से दर्शन कर लौट रहे परिवार की कार खाई में गिरी, 4 वर्षीय मासूम का हुआ स्वर्गवास। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में ताजा अपडेट सूबे के ऊना जिले से सामने आ रही है। यहाँ स्थित पुलिस थाना अम्ब के तरह ज्वार के पास पेश आए ताजा हादसे में 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है, जबकि 3 बच्चों सहित कुल 8 लोग घायल हैं। मृतक बच्चे की पहचान अंशुमन पुत्र अनिल कुमार निवासी कोलर के रूप में हुई है। रविवार दोपहर को सभी ज्वालाजी से वापस घर लौट रहे थे। इस बीच ज्वार के नजदीक अचानक कार अनियंत्रित होकर खाई में लुढ़क गई। हादसे में कार सवार तमाम यात्रियों को चोटें आई हैं, वहीं कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।